हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम विकेश कुमार सिंह है, मैं सेंगर कूलिंग जोन का प्रोपराइटर। और आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि फ्रिज की डेंटिंग कैसे और किस तरीके से की जाती है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे भी वीडियो मैं ऐसी तरीके से बनाता रहूँगा। देखिए, आपके सामने ये वर्लपूल की फ्रिज खड़ी है और ये फ्रिज काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कम से कम 15 साल पुरानी फ्रिज है ये, और ये एक बार बन चुकी है। जो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें साइड में, दोनों साइडों में और आगे की तरफ भी पूरा गला हुआ है। नीचे का आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये हट चुका है, बहुत ज़्यादा गला हुआ है। और इसमें क्या है कि डबल डेंटिंग होने जा रही है, फिर से इस चादर को काट के दोबारा डेंटिंग की जाएगी। सबसे पहले इसमें देखिए आपको क्या करना होगा कि आपको मीटर लेकर चादर कितनी नाप करनी है उसका मापना पड़ेगा। दोस्त, इसमें 3 चादरें बनेंगी आपकी साइड का, दोनों साइडों का होगा। और इसमें आपको 2 चादरें लगेंगी जो साइड के होंगे, और दोनों साइडों का आप चादर का माप कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें आपको देखिए क्या है कि जो आगे का हिंच भी है वो भी गला हुआ है, ताकि इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। और आपको देखिए, ये जो चादर है आपकी चादर पे माप करके हम इसका निशान लगा रहे हैं, जिससे कि हम चादर की अच्छी तरीके से कटिंग कर सकें। फिर उसके बाद हम आपको बता दें, ये चादर हम फ्रिज का निकला ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि इसमें दोनों तरफ पेंटिंग होती है, जिससे चादर की गलने के कम चांसेस रहते हैं। इसलिए हम पुराने फ्रिजों का ही चादर निकाल के यूज करते हैं। और इसमें इसी तरीके से हम कटिंग करके तीनों चादरों की कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद फिर इनको फोल्ड करना होता है साइज जो इसका नाप के, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके तीनों चादर आपको एक बराबर इसी की तरह बन जाएंगे, जो कि आपको देखने में काफ़ी जो इजी रहेगा बनाने में भी। और आपको बता दें, इसमें हम हथौड़ी जो है लकड़ी का ही यूज करते, इसलिए क्योंकि देखिए क्या है कि इससे चोट लगेगा बट दाग नहीं बनेगा, इसलिए हम लकड़ी का ही यूज करते, लकड़ी का हथौड़ी यही यूज करना चाहिए आपको। और बता दें, हम इस चादर की कटिंग के बाद आपको आगे देखिए, ये पैच आगे का सामने का बन गया, और इसी तरीके से सामने का बन गया। इसी तरीके से सामने के बाद आपको साइड के भी पैच बनाने होते हैं, जो इसकी कटिंग करने के बाद हम लोग इसको नाप लिए, नापने के बाद पूरी इसको ग्राइंडर से कटिंग कर देंगे साइज के हिसाब से। और साइज क्योंकि थोड़ा सा हार्ड कट रहा है, क्योंकि नीचे आपका बहुत ज़्यादा वो पहले से पुट्टी लग रखी है। इस तरीके से हम दोनों साइडों की कटिंग करेंगे, और जितना भी जंग लगा होगा पूरा साफ करना होता है। जो आपका चादर है वो ठीक इसी की साइज़ की नाप का बनेगा आपका। देखिए, चादर इसकी जो साइज़ का नाप का बना है, बिल्कुल इसके साइज को नापते हुए हम आगे एक एक थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे। चादर को साइड का फोल्ड करते हैं, जिससे फोल्ड करने के बाद हमारा ऊपर का साइज पता चल जाता है कि कितना हमको ज़रूरत है आगे का मोड़ने का। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। और आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा ये काम बहुत ही थोड़ा सा हार्ड वर्क है, ताकि आपको करने में भी मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। मजबूरी है कि अगर आप फ्रिज का काम करते हैं तो इस काम को करना पड़ेगा। क्या है कि इस काम में हम लोगों को थोड़ा बेनिफिट अच्छा रहता है, ताकि यदि कंप्लेनों के चांसेस कम रहते हैं। हम इसमें चादर क्या करते हैं कि इसकी चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी कटिंग करते हैं, ताकि जिससे हमारा कहीं भी साइज़ छोटा ना पड़ जाए, बिल्कुल परफेक्ट साइज बने। इसलिए थोड़ा सा नापना पड़ता है, फिर कटिंग करना पड़ता है। और इस तरीके से कटिंग करके फिर देखिए, एक साइड का मेरा पूरी फिटिंग हो गई। इस तरीके से तीनों साइड का हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। और तीनों साइड बनाने के बाद फिर हम आ जाते हैं वेल्डिंग पे। वेल्डिंग का काम होता है, देखिए हमारे पास ये हिंच है, हिंच को हम लोग वेल्ड करते हैं, जिससे हमारा इसमें पैर और एक तरफ पल्ले के लिए हिंच लगाना पड़ता है, ताकि हम कुछ चूड़ी इसी में बनाकर आराम से हमारा पैर और हिंच टिक जाए। इस तरीके से वेल्डिंग करने के बाद हम इसको अपनी जगह फिट करेंगे और इसकी वेल्डिंग चालू कर देंगे। इसमें हमारा जो वेल्डिंग देख रहे हैं आप, ये हमारा पीतल वेल्डिंग होता है, जो कि हमारा बहुत ही काफ़ी अच्छा मतलब कि टाँका होता है, जिससे कि हमारा ये टाँका छूट ना पाए, क्योंकि लोहे के टाँके अक्सर छूट जाते हैं जंग लगने की वजह से, लेकिन पीतल की वेल्डिंग हमेशा छूटता नहीं है। इसमें देख सकते हैं, साइड का अगर हम लगा रहे हैं तो इसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा लगा लेते हैं, जिससे कि गीला रहने की वजह से हमारा प्लास्टिक गले ना। इस तरीके चारों तरफ से दबाकर बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हिसाब से हम इसको बनाते हैं।
और ये आपका वेल्डिंग जो देख रहे हैं ऊपर का, इसमें कई जगह साइड साइड के ऊपर की भी वेल्डिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा परफेक्ट मैच आ जाए। इसमें वेल्डिंग करने के बाद इसको आपको घिसाई करना होता है, जो टाँके हमारे ऊपर पर होते हैं उनको घिसाई करके उनको बराबर लाएँ, और इसके बाद नीचे साइज का हम जो चद्दर होता है उसको पेंच लगा दें, हिंचों में पेंच लगा दें ताकि हमारा पल्ला उसके बराबर आ जाए बिल्कुल। इसी तरीके से ड्रिल मशीन से हम एक एक करके सब जगह पेंच लगा देंगे एक बराबर, हमारा जिसे चद्दर बिल्कुल इसके नीचे की साइड पूरी अच्छी तरह से चिपक जाता है। इस तरीके से हमारा चद्दर लगा कर कम्प्लीट हो कर दिए, चूड़ी बनाकर लेग लगा दिए। अब इसमें हमको हरी पुट्टी लगाते हैं जो हमारा बॉडी शोल्डर होता है, ये देखिए साइड में भरा जाता है, इसको लगाकर बिल्कुल बराबर करेंगे और बराबर बिल्कुल बराबर हो जाता है। 2 से 5 मिनट बाद सूख जाता है ये, 5 मिनट बाद फिर इसको रगड़ने का काम करते हैं जिससे हमारा रगड़ा जाता है बिल्कुल क्लीन हो जाता है बिल्कुल बराबर। फिर इसके बाद हम इसमें स्प्रे पेंट करते हैं जो इसी के कलर के मैचिंग का होता है, और ये स्प्रे पेंट अधिक से अधिक 5 मिनट में सूख जाता है पूरा अच्छी तरीके से। और इसको चारों तरफ करने के बाद हम इसे फ्रिज को खड़ी कर देते हैं। आप फ्रिज आपके सामने देख रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने साइड में भी बनाया है, आप देख सकते हैं पहले और अब में कितना डिफरेंट दिख रहा है, साइड का भी और नीचे का भी आपको दिखा दें, इसके नीचे की साइड का देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से ओके हो चुका है।